हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज मैं कोई टिप्स की वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं करने वाली हूँ रिव्यू डेमो। और ये है स्टेशनर मशीन, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी और आज मैं आपके सामने ही इसका डेमो करके दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। देखती हूँ ये मेरे बाल स्ट्रेट करती है या नहीं करती है, और ये अभी तक मैंने कॉम्ब नहीं किया है। मेरे बाल कुछ इस तरह से हैं, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की आई है। ये वाली है, ये देखिए, ये फिलिप्स की है। पहले मैंने किसी और कंपनी की ऑर्डर की थी लेकिन वो चली नहीं थी, बेकार निकली थी। अभी ये मैंने फिलिप्स की मंगाई है, तो देखते हैं ये कैसे निकलती है। इस पर वैसे सब इसके फंक्शन वगैरह सब लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ इसके बारे में। इसकी पैकिंग तो अच्छी है, ये इसका कवर है। और ये कितने की मिली, कैसे मिली, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो ये कुछ इस तरह की है, इसमें ना ओनली एक ही बटन दिया हुआ है, ऑन ऑफ का है ये, बाकी और कुछ नहीं है। ये ऑटोमेटिक है, अपने आप गर्म होगी और अपने आप ही ये स्लो हो जाएगी, ठीक है। और ये इसका वायर है, ये सब ठीक है। तो चलिए इसका मैं डेमो करके दिखाती हूँ लाइव, कैसे होते हैं मेरे बाल स्ट्रेट। पहले मैं इसमें कॉम्ब कर लूँगी अपने बालों में, फिर करूँगी। अभी तो ये देख सकते हो कुछ इस तरह के हैं बाल, बाल को स्ट्रेट करने से पहले आप इसमें कोई भी सीरम लगा लीजिए। और मैंने ये सीरम लगाया है मैट्रिक्स का, आप कोई भी लगा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेट नहीं करना चाहिए, इससे बालों को नुकसान होता है। तो आप, मैंने हल्का हल्का सा लगा लिया है ये, इसे अच्छे से लगाने के बाद फिर मैं बाल स्ट्रेट करूँगी। फ्रेंड्स, आजकल फ्लिपकार्ट पर सेल चल रही है और ये मुझे डिस्काउंट में ही मिला है, मुझे इस पर 30% डिस्काउंट मिला है। वैसे तो आप मार्केट में इस तरह की लेने जाओगे तो ये 2000-3000 इस तरह से मिलती है, 5000 तक की मिलती है, लेकिन ये मुझे बहुत ही कम रेट में मिली है, डिस्काउंट में मिली है। तो मैं आपको बताऊँगी मुझे कितने की मिली। अभी हम इसे अप्लाई करते हैं। इसमें ये ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं फंक्शन नहीं है, बस ऑन ऑफ का स्विच है। और ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगाया इसने, जैसे मैंने अपने बालों को कॉम्ब किया इतनी जल्दी ही ये हीट पर आ गई है। और बस आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े से बाल लेने हैं और ऐसे प्रेसिंग करनी है। अगर एक बार से अच्छी बार ना हो तो दूसरी बार में बहुत ही शार्प हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। ये देखो जैसे कि मैं कर रही हूँ थोड़े थोड़े बाल लेकर, अगर कोई दूसरा करे तो और भी जल्दी हो जाएगा। अकेले में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप अकेले में भी इजीली कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपने आप ही की है अपने बालों की स्ट्रेटनिंग। अभी मैं आपको पूरे बालों की करके दिखाऊंगी। अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको बार बार पार्लर जाना पड़ेगा, कई बार पार्लर जाने का टाइम भी नहीं होता और फिर हमें जाना भी होता है, उसमें पैसे भी वेस्ट जाते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप इस बार मतलब इस तरह की कोई भी एक स्ट्रेटनर मशीन मंगा लीजिए, और उससे जब भी आपको कहीं जाना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपके पैसे की भी बचत हो जाएगी और आपके बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे, काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि इससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे स्ट्रेट हो गए हैं और मुझे पार्लर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जानना चाहते हो कि ये मुझे कितने की पड़ी है, ये मुझे 1200 की पड़ी है, क्योंकि ये डिस्काउंट में थी, मुझे इस पर 30% डिस्काउंट मिला है। ये 2000 करीब की थी और मुझे अभी ये 1000 की मिली है, क्योंकि अभी चल रहा है। वैसे तो हर ऐप पे अभी सब मतलब ऑफर चल रहे हैं, छूट मिल रही है, आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगाई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, और काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी मिल गया है। वैसे तो 300-400 की भी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, लेकिन वो मैंने मंगा कर देखी है, वो काम नहीं करती है, प्रॉपर काम नहीं करती है। ये आप इस तरह की कंपनी की यूज़ करेंगे, ये मैंने फ़िलिप्स की मंगाई है, अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क भी करेगी और आपके हेयर भी स्टाइलिश। फ्रेंड्स, मेरे ये आगे के बाल दोनों साइड के कर लिए हैं मैंने, अभी मेरे पीछे के बाल रह गए हैं, पीछे के बाल में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखो, अभी मैं आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ किस तरह से मैंने किया है, आप देख सकते हो पीछे से भी, मतलब थोड़े थोड़े से बाल पकड़कर आप करते जाइए तो इजीली हो जाएंगे। और हाँ, इससे आप बालों को कर्ल भी कर सकते हैं, इस मशीन में ऐसे लपेट के करोगे तो कर्ल भी हो जाएंगे। अभी मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, मुझे कर्ल नहीं करनी है, और जब कभी मैं कर्लिंग करूँगी तभी आपको दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, आप देख कर बताना कि रियली में हुए हैं या नहीं।
मुझे तो लग रहा है कि पूरी तरह से अच्छी तरह से हो सकते हैं जैसे एक ब्यूटी पार्लर में होते हैं। और ये देखो, आप बार बार ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो अगर आप घर पर ही करोगे तो आपकी कितने पैसों की बचत होगी, तो इस सेल का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा और कंपनी की लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई की है, उसके बाद मुझे ये अच्छी लगी है और मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।